दोस्तों नमस्कार, सब भाई का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज की वीडियो है 207 नंबर की और मैं लेके आया हूँ भाइयों के लिए देसी गायें, देसी थारपाकर गायें, और इसने बछड़ी फीमेल काफ को जन्म दिया है। देसी थारपाकर इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत देसी जो यहाँ की लोकल नस्ल है, देसी हरियाणवी कह सकते हैं, और थारपाकर का थोड़ा सा मिश्रण है इसमें 5-10% का, बाकी थारपाकर गाय है ये। और इसका दूसरा ब्यात है, सेकंड लैक्टेशन की ये गाय है। दोस्तों इसने 3 दिन पहले एक बहुत ही सुंदर प्यारी बछड़ी को जन्म दिया है। ये राठी नस्ल की बछड़ी है और क्योंकि यहाँ पे राठी नस्ल काफ़ी बहुतायत में मिलती है तो इसलिए राठी नस्ल की ये बछड़ी है। दोस्तों आज की लाइव मिल्किंग मैं भाइयों को यूट्यूब चैनल पे दिखा रहा हूँ। आज की तारीख है 18 सितंबर 2019 और शाम के 6 बजे का समय हुआ है, 6 PM। मेरी कोशिश रहती है कि सब भाइयों को मैं लाइव मिल्किंग वीडियो दिखाऊँ, जो भी दुधारू गायें सेल के लिए अवेलेबल होती हैं, ताकि आप सब भाई देख पाएंगे कि गायें दूध किस तरह से निकलवाती है और थन की क्वालिटी कैसी है, अडर की क्वालिटी कैसी है, गाय कैसी है, उसका बच्चा कैसा है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस वीडियो होती है। दोस्तों बाल्टी खाली दिखा दी गई है, अभी आप भाइयों को चारों थनों की हम नज़दीक से धार दिखाएंगे। ये पहले थन की धार है, आप देख पाएंगे कितनी मोटी धार है, बहुत मोटी नरम धार है, बहुत पोली धार है, और इतनी नरम धार वाली गायें बहुत कम मिलती हैं। ये दूसरे थन की आप धार देखिए, ये भी बहुत मोटी धार है, एकदम नरम धार है, और जो चारों थनों का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप है। दोस्तों ये तीसरे थन की आप धार देखिए, ये भी बहुत शानदार धार है, बहुत मोटी धार है, सटीक धार है, किसी तरह का कोई फुहारा नहीं आता, छर्रा नहीं आता इसमें। ये चौथे थन की आप धार देखिए, ये भी बहुत मोटी सटीक धार है, और जो इसके अडर क्वालिटी है वो शरीर से चिपका हुआ अडर है, बहुत ही छोटा अडर है, ज़्यादा बड़ा अडर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेउटी की गायें में मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए छोटे अडर की गायें ही लेनी चाहिए। दोस्तों गायें बिल्कुल सफ़ेद रंग की है और बिना सींग की है। बहुत सारे भाइयों की डिमांड आती है कि हमें बछड़ी वाली गायें चाहिए, इसलिए उन भाइयों की आज मैं बछड़ी वाली गायें लाया हूँ। दोस्तों एक चीज़ का मैं यहाँ पे ज़रूर खेद प्रकट करना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो नस्ल सुधार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही यहाँ के वेटनरी डॉक्टर नस्ल सुधार पे ध्यान देते हैं, जिस कारण से यहाँ की स्थानीय नस्लें ख़त्म हो रही हैं, विलुप्ति की स्थिति में जा रही हैं। आज थारपाकर गायें बहुत कम बच गई हैं, प्योर बहुत कम बची हैं। अब ये जो गायें हैं इसमें थोड़ी सी जैसे इसकी इसमें झालर कम है, थोड़ी सी सूंडी कम है इसमें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गायें की सूंडी ने कभी दूध नहीं दिया आज तक, ना कभी झालर ने। झालर और सूंडी के चक्कर में मत रहो, दूध की क्वालिटी देखो, अडर क्वालिटी देखो, थन की बनावट देखो, चारों थनों का साइज एक जैसा होना चाहिए, अडर बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए देसी गाय का, और जो मिल्क वेन है आप इसके पेट पे ये नीचे उभरी हुई दूध की नसें देख पाएंगे जो कि लेउटी तक गई हुई है, बहुत मोटी नस है। इसका मतलब ये है ये एक बहुत दुधारू अच्छी गाय है और बिना सींग की गाय है, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे सींग हैं। ये अच्छी तरह डॉक्टर ने दबाए नहीं थे इसलिए ये भी निकले हुए हैं, नहीं तो ये भी नहीं दिखते। और दोस्तों इसकी जो बछड़ी है बहुत ही अच्छी मिल्क लाइन की बछड़ी बनेगी आगे चल के, क्योंकि अभी से इसकी जो एक थनों की बनावट और अडर क्वालिटी वो भी अभी से बन रही है। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो जो देसी गायें के चहेते फार्मर हैं, जो देसी गायें रखना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई जो देसी गायें से बहुत प्यार करते हैं, उन भाइयों के लिए हमने ये सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों 28,000 रुपये, केवल 28,000 रुपीज़ में ये गायें अवेलेबल कराई जा रही है। 28,000 रुपये में मेरे भाइयों आज के टाइम पे कुछ नहीं आता, इतनी अच्छी गायें। दोस्तों हमने मिल्किंग पूरी कर ली है
और अभी भाइयों को मैं इसका दूध नाप के दिखाऊंगा कितना दूध है। ये दूसरी खाली बाल्टी दिखा दी गई है और अभी दूध में झाग बने हुए हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि झाग बन जाते हैं, बिल्कुल कई बार बन जाते हैं, तो इसलिए हम इसका अल्टे पलटी करके इसके झाग खत्म कर लेते हैं, दूध को पलट लेते हैं दोस्तों। और अभी भाइयों को नाप के दिखाऊंगा। दोस्तों आप गिनते रहिए कितना लीटर है, साथ के साथ देखते भी रहिए दोस्तों। ये 1 लीटर का नाप है और ये 1 लीटर हुआ। दोस्तों हमारे फार्म का एड्रेस नोट कर लीजिए, विलेज 4 SPD 4 SPD है, तहसील सूरतगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर और स्टेट राज्य राजस्थान। एक बार एड्रेस तो फिर से नोट कर ले, दोबारा समझा देता हूँ। ये राज्य है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील सूरतगढ़ पड़ती है, और सूरतगढ़ में 4 SPD 4 SPD के नाम से ये हमारा गांव का एड्रेस है, यह हमारा फार्म है दोस्तों। ऊपर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो भी भाई इस गाय माता को लेना चाहते हैं वो ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों इस गाय ने अभी फिलहाल 4 लीटर हमने इसका दूध निकाला, क्योंकि ये 3 दिन की ब्याई है, अभी खीसी चल रहा है, और अभी बछड़ी के लिए करीब 1 लीटर हमने छोड़ दिया है। टोटल अभी 10 लीटर दूध रेडी है दोस्तों। जय गो माता, जय भारत। जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत सारे भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करें। कोई भाई इस गाय को उस भाई तक जरूर पहुंचा सकता है जिस भाई को वाकई में इस गाय माता की जरूरत है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, मेरी कोशिश है कि आप भाइयों तक अच्छी अच्छी मैं गाय की वीडियो लाता रहूं, देसी गौ माता के मैं दर्शन कराता रहूं। जय गौ माता, जय भारत।